हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस सम डाउट्स रिगार्डिंग चैप्टर मोशंस। चलिए फर्स्ट डाउट पे चलते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर। किस स्पीड से मूव कर रही है बेटा? 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही है। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आर। किस स्पीड से मूव कर रही है? 20 किलोमीटर पर आर। फर्स्ट हाफ फर्स्ट 30 किलोमीटर 40 की स्पीड से मूव कर रही है एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर मूव कर रही है 20 की स्पीड से। क्या निकालना है बच्चों? फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा मैं आपको बताता हूँ, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हम मूव कर रहे हैं घर से स्कूल एंड स्कूल से घर। तो इस केस में क्या होगा, जब हम घर से स्कूल या स्कूल से घर में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होगा, सेम डिस्टेंस प्रॉब्लम है। ये किस टाइप की प्रॉब्लम है? सेम डिस्टेंस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी देखो आप, ये भी उसी कैटेगरी में आ रही है, फर्स्ट 30 एंड नेक्स्ट 30। या फिर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं आपको एक बार टाइप बता देता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर विद स्पीड दिस वन एंड द नेक्स्ट हाफ कवर विद स्पीड दिस वन। चलिए लेट्स स्टार्ट, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम और अब हम डिस्कस करेंगे। इसने जो अपना हाफ डिस्टेंस है बेटा, वो हाफ डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे कंसीडर कीजिए, ये इसने हाफ डिस्टेंस यहाँ तक कवर किया है किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं यहां लिख देता हूं 40 किलोमीटर पर आवर। और रिमेनिंग हाफ या नेक्स्ट 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस नहीं भी गिवन होता बेटा तो भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ऐसी ट्रिक आपको बताता हूं। देखिए तो यहां पे हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम एवरेज स्पीड का? ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो मैंने ये जो फर्स्ट डिस्टेंस है अपना, जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। किस स्पीड से किया बेटा? 40 किलोमीटर पर आर से। इसको मैंने v1 कंसीडर कर लिया और इस सेकेंड स्पीड को क्या कंसीडर कर लिया बेटा? सेकेंड स्पीड को मैंने कंसीडर कर लिया v2। ये हमारी v2 है और ये क्या है बेटा? अपनी v1 है। ठीक है, तो जस्ट आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सो v एवरेज क्या आ जाएगा अपना? v एवरेज ट्वाइस ऑफ v1 40 एंड v2 20 और डिवाइड में क्या आएगा? इन दोनों का सम v1 प्लस v2 मींस 40 प्लस 20। तो कितना आ जाएगा बेटा? 60 और ऊपर कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 16 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 80 अपॉन 3। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, 80 अपॉन 3। तो अपनी जो 80 अपॉन 3 स्पीड आई है बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस, तो जो हमने एवरेज स्पीड निकाली कितनी आई है? 80 अपॉन 3। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे फ्रैक्शन को, तो 26.67 आ जाएगी। ठीक है, 26.67 किलोमीटर पर आर। यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आर। तो आपको क्या याद रखना है बेटा इस पूरे क्वेश्चन में, जो इम्पोर्टेंट है नोट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसमें देखिए, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ साथ के साथ।
चलिए बेटा देखो, तो यहाँ पे हमने कितना वो लेना है, हमें यहाँ पे हमें लेना है 120 किलोमीटर की एक लाइन कंसीडर की। किलोमीटर ट्रेन फर्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर। लेट अस कंसीडर ये डिस्टेंस फर्स्ट 30 किलोमीटर है, किस स्पीड से चला 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, ये जो रिमेनिंग 90 किलोमीटर है बेटा, ये 90 किलोमीटर, ये रिमेनिंग 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये किस स्पीड से चलें कि एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ द एंटायर ट्रिप, ऑफ द एंटायर ट्रिप। तो कैसे डिस्कस करें बेटा, जैसे इन्होंने कहा 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ द एंटायर ट्रिप और टोटल वो कितना है ट्रैक 120 किलोमीटर का, तो हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है एवरेज स्पीड। क्या गिवन है? एवरेज स्पीड। कितनी है एवरेज स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और टोटल ट्रैक डिस्टेंस कितना है बेटा? 120 किलोमीटर। तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से? यस, निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस 120 अपॉन 60, 2 आवर्स। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आवर्स। तो ये जो 2 आवर्स का टाइम है, इस कंप्लीट जर्नी में जो 2 आवर्स का टाइम लगा है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये टाइम, ये देखिए। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए। तो अब देखो, फर्स्ट हाफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। 30 किलोमीटर किस स्पीड से चला बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर से। कहने का मतलब क्या है, इस टाइम कितना टाइम लगा होगा इस जर्नी को करने में? 1 आवर। और टोटल टाइम कितना लग रहा है एंटायर जर्नी में? 2 आवर्स। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सेकेंड वो चल रहा है 90 किलोमीटर, इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। अब आप मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में अगर आपको 90 किलोमीटर कवर करना है बच्चों 1 आवर में, तो आप किस स्पीड से चलोगे? अगर आपको बच्चों 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, 90 किलोमीटर और 1 आवर में कवर करना है, तो आपकी स्पीड क्या होगी? हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा? वो ट्रेन को ट्रेवल करना चाहिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू।